नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सवार कुमार की अध्यक्षता में कल स्थान से नगर पालिका चौक, शहीद स्थल, न्यू मार्केट, हीरालाल चौक, थाना चौक होते हड़ताली चौक तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत से गदगद जिले के कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकालते हुए कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं को बधाई दी है। गगनभेदी नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अपने बधाई संदेश में सदर की पूर्व विधायक अमिता भूषण ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना मुखड़ा चला ना दुखड़ा, 90 गालियों की जगह 9 काम गिनवा देते तो शायद कुछ भला होता। खैर, बजरंग बली ने तो हाथों हाथ अपने अपमान का हिसाब चुकता कर लिया। हम तो अपने कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेताओं को अपनी ओर से शानदार जीत की बधाई देते हैं। जीत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार कर्नाटक की जनता की आकांक्षा पर खरा उतरेगी। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने इस जीत का पूरा श्रेय कर्नाटक की जनता, स्थानीय कार्यकर्ता और नेता को दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस सदस्य संजय सिंह, कुमार रत्नेश टुल्लू, जयप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता रजनीश कुमार आदि ने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में नफरत की दुकान पर ताला लगाते हुए मोहब्बत की दुकान खोल दी है। इस परिणाम का असर आने वाले राज्यों के विधानसभा पर ही नहीं बल्कि 2024 की लोकसभा पर भी होगा और नफरती राजनीति की हार होगी। कर्नाटक का जो आज परिणाम आया है वह देश को नया दिशा देने का काम किया है और जो फरेबी सरकार केंद्र का धन बल का उपयोग करके कई राज्यों में विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला है। अब इसमें किसी को कोई गुंजाइश रहने नहीं दिया गया है और देश के हर राज्य के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस देश में झूठ, फरेब और ठगने का जो काम केंद्र सरकार करती है उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय कांग्रेस पार्टी है और जब तक कांग्रेस देश में मजबूत नहीं होगी लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो आज किस तरह का आपके द्वारा? आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा देश जश्न मना रहा है। एक बेगूसराय किया, पूरा देश जहां जाइए वो बेगूसराय में आप 50 कार्यक्रम हो रहा है। हर प्रखंड में लोग जश्न मना रहे हैं, पंचायत गांव में लोग जश्न मना रहे हैं, पूरा देश खुश है कि चूंकि जितना धन का दुरुपयोग किया गया कर्नाटक में उसका जवाब वहां की जनता ने दे दिया। आज कर्नाटक जो विधानसभा चुनाव था और बीजेपी की सरकार थी, जुमलेबाजों की सरकार थी, आम आवाम जनता को ठकने वालों की सरकार थी, उसको आज नष्ट नाबूद कर उसके कलेजे पर, जैसे कहावत कहा गया है देहात में, जो कलेजे पर कर दाल दरर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। आज आदरणीय हमारे राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किए थे उसका आज परिणाम देखने को मिल रहा है कर्नाटक चुनाव से। इसकी शुरुआत हुई है, कर्नाटक अभी झांकी है, 2024 बाकी है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में फिर से परचम लहराएगी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज वहाँ की जनता, वहाँ के नेताओं को मैं अपनी बेगूसराय कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ के जनता को, आम आवाम को, जिन्होंने समझा, लेट ही समझा लेकिन देर समझा, दुरुस्त समझा, इस जुमलेबाज सरकार को पहचानने का काम किया। और आगामी जो भी विधानसभा चुनाव होगा आप देखिएगा इसी तरह बीजेपी का हश्र होगा और 24 में इसे फिर उसी 2 सीट पर कांग्रेस लाकर खड़ा कर देगी, जिसके दया पर हम लोगों ने, कांग्रेस ने 2 सीट हमने देकर उसे लोकसभा में बैठने के काबिल बनाया था, फिर उसको 2 सीट पर लाकर सिमट कर छोड़ दूंगा। बजरंग बली के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जुमलेबाज जो यहाँ पर राजनीति करता है उसको देख लिया, जो बजरंग बली किसके साथ है। बजरंग बली और भगवान अन्याय के साथ नहीं थे, वो न्याय के साथ थे। अहंकार रूपी जो रावण था उसका ध्वस्त हुआ लंका और आगामी 24 में जो भी बचा खुचा होगा घर द्वार वो भी लंका हमारे हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी ने ध्वस्त करके छोड़ देंगे।
वो कांग्रेस पार्टी फिर से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सबको लेकर चलेगी। आप लोग भी देखिएगा, मैं आपके ओर से संदेश देना चाहता हूँ, अभी भी वो समझ जाए कि जुमलेबाज तुम्हारा ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी तुम्हें उखाड़ कर फेंकने में अब सक्षम है, तुमको जनता पहचान चुकी है। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।